भिलाई की बेटी प्रियंका के साथ हुए बिलासपुर में जानलेवा हादसे का विरोध करते हुए एवं भिलाई की बेटी को श्रद्धांजलि देने भिलाई वासियों ने विशाल कैंडल मार्च निकाला एवं अर्जुन पार्क सिविक सेंटर पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बिलासपुर में सेक्टर 7 सड़क 31 बी भिलाई निवासी प्रियंका सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर पूरे देश भर में आज भी कौतूहल का माहौल देखा जा रहा है। प्रियंका सिंह बिलासपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रही थी और बीते 15 नवंबर से लापता थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने कोतवाली थाने में भी कराई थी। इसी बीच प्रियंका के निर्मम हत्या की खबर ने उसके परिजनों सहित पूरे भिलाई वासियों एवं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रियंका के परिजनों एवं पूरे भिलाई शहर ने प्रियंका को भावभीनी श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च का आयोजन किया और अर्जुन पार्क सिविक सेंटर में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रियंका को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उसके हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग भी की। प्रियंका के हत्या के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सुलझाने की अपील भी उनके परिजनों सहित भिलाई वासियों ने की है। हम महिलाओं और नारियों के ऊपर बढ़ती चली जाएंगी और इस प्रकार जो देश के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि महिलाएं आगे आएं, महिलाएं अपने कारोबार को बढ़ाएं, महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, तो ये हत्याएं ये हत्याकांड हमें घर के चार दीवारियों में बंद कर देंगे और हमें आगे निकलने का मौका नहीं देंगे। आप ये पूछिए अपने घर की लड़कियों से इस नृशंस हत्याकांड का उनके मनोमस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ा है। हर लड़की कांप चुकी है, हर पिता कांपता है। अगर बेटियां पढ़ने बाहर जाती हैं और जब तक घर में प्रवेश नहीं करती हैं, हर माता पिता की आत्मा कांपती रहती है कि बच्ची सही सलामत घर आ जाए। इस प्रकार की हत्याकांड का प्रशासन को सख्त कदम उठा करके न्यायपालिका से गुहार है, फास्ट ट्रैक में इसके निर्णय की सुनवाई हो और अपराधी को केवल और केवल हम फांसी की सजा चाहते हैं। और यही एक प्रकार से उदाहरण होगा कि अगर अन्य कोई हाथ किसी महिला और किसी युवती पर उठेगा तो उसे फांसी के। प्रियंका के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। 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 प्रियंका के हत्यारे को फांसी दो। कहा प्रियंका के साथ ऐसा हुआ है, किसी भी किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। इतनी निर्दयता हत्या, इतना ज्यादा अत्याचार। हम तो बस यही चाहते हैं कि जो हत्यारा है उसे तुरंत फांसी दी जाए। बस इसीलिए हम लोग सारे समाज के लोग छत्री। आज का युवा पीढ़ी अपने करियर को लेके काफी संजीदा नजर आता है और जहां अच्छी शिक्षा मिले वह उस जगह जाकर उसकी तैयारियां करता है, परंतु इसी बीच वह कई मोहपाश में फंस जाता है जिसका अंजाम उसे खुद नहीं पता होता। प्रियंका की निर्मम हत्या को लेकर भिलाई सहित पूरे देश में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है और प्रियंका के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग लगातार की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।